पैनी वैनी कुछ रखे हो? हाँ है ना, तो दो ना भी। एक मिनट, क्या बात है? हे भगवान, ये मैडम छत पे का कर रहे थे? कहीं मरने बने तो नहीं जा रही है? अरे यार चल देखते हैं। चल। कौन है, कौन है अंदर? खोलो, कौन है दरवाजा खोलो। साहिल, तू मच यार। हेलो, यस, कमांड फोर्स हेडक्वार्टर्स। व्हाट, कब, कहाँ? एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट। साहिल, साहिल मुझे पेन चाहिए। या टेल मी, आशियाना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, गुलमोहर रोड, अंधेरी वेस्ट। जी हम अभी आ रहे हैं। यस साहिल, जल्दी चलो। क्या हुआ? अरे चलो तो। कोई मर गया है क्या? मरा नहीं है, लेकिन मरने वाला है। कौन मरने वाला है? एक्चुअली मरने वाला नहीं है, मरने वाली है। आशियाना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से वॉचमैन का फोन आया था। उसने कहा कि कोई लड़की बिल्डिंग की छत से कूदकर जान देने की कोशिश कर रही है। कोशिश? इसमें कोशिश वाली कौन सी बात है? जब छत तक पहुंच गए तो बस कूदना है, बात खत्म। ठीक ही तो कह रहा है। अरे अक्सर लोग आत्महत्या करने के लिए ऐसी ऊंची जगह चले जाते, लेकिन जब वो ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती। कम ऑन गाइस, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे क्या मदद करे, जाके से धक्का दे। कम ऑन साहिल, ये मजाक की बात नहीं है, किसी की जिंदगी का सवाल है ये। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर वो खुद ही मरना चाहती है तो हम उसे बचाने वाले होते कौन है? पर कानून के रक्षक। लेकिन चीफ, अब हम करें क्या? जो भी करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि अक्सर हम जुर्म होने के बाद मुजरिम को ढूंढते हैं, पर आज हमें पहली बार ऐसा मौका मिला है कि जुर्म होने से पहले हम जुर्म को रोक सके, और हमें यह मौका गंवा देना नहीं चाहिए। मूव फास्ट। समझे कुछ? अब चले, चलो। वो लड़की कहाँ है? सर छत पर। चलो। आई 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 साहब, आइए अंदर बैठिए। सर रो रही है। हटो, देखो अंदर जो भी है दरवाजा खोलो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। चीफ, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। गो अहेड। तो कोई भी नहीं है। तुमने तो कहा था कोई लड़की छत से कूदने की कोशिश कर रही है। यही थी साहब, अंदर से कड़ी लगा रखी थी, आपने तो देखा ना साहब। लेकिन अगर यहाँ थी तो गई कहाँ? मुझे क्या पता साहब, कहीं कहीं कूद तो नहीं गई? अगर उसमें कूदने की हिम्मत होती तो पहले ही कूद गई होती। तो फिर गई कहाँ? साहिल, तुम शाना के साथ वहां जाकर देखो। अभिनव, मोनिशा के साथ वहां जाओ। Thank you.
साहब ये जोशी मैडम है, 6 माले पर रहती हैं। जोशी मैडम, नाम क्या है इनका? नाम तो नहीं पता। निहारी का जोशी। तुम्हें कैसे मालूम? आई नो, बहुत फेमस मॉडल है। आई मीन थी। बहुत बड़े बड़े फैशन कंटेस्ट जीते इन्होंने। मानना पड़ेगा फैशन मॉडल्स के बारे में तुम्हें काफी जानकारी है। ये अपने घर में अकेली रहती थी या फैमिली के साथ? ये अपनी फ्रेंड के साथ रहती है, वो आज सुबह कहीं चली गई। हाँ तो इस वक्त इनके घर पे कौन होगा? पता नहीं सर। ठीक है शाना, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। यस चीफ। चीफ, आई थिंक ये लड़की उसकी रूम पार्टनर होगी और इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट को तो पता ही होगा। क्यों? कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ ये एक मॉडल है, उसका नाम जानवी बावेजा है। एक दो म्यूजिक एल्बम्स करी है इसने भी। और इस फोटो में जो लड़का है वो शायद इसका बॉयफ्रेंड होगा। वैसे ये भी मॉडलिंग करता है ऐसा लगता है। ठीक है, देखो यहां वहां ठीक से कहीं कोई सुसाइड नोट वगैरह मिल जाए। यस चीफ। ओके चीफ। लगता है सुसाइड से पहले वो नहाने की तैयारी कर रही थी। चीफ, यहाँ पर एक सेलफोन मिला है, इसमें किसी कौती नाम के बंदे की 7 मिस्ड कॉल है। शायद ये उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। और वैसे भी ये घर काफी नीट एंड क्लीन लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ रहने वाला कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहा हो, और वो भी यहां तक कि सुसाइड की नौबत आ जाए। बट चीफ, इट्स अ फैक्ट, सुसाइड तो हुई है, खुदकुशी की है उसने। नहीं, वो खुदकुशी नहीं कर सकती, निहारिका मर नहीं सकती। आई नो दैट, वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। देखिए, इंसान का दिमाग उसे कब और क्या करने पर मजबूर कर दिए कहा नहीं जा सकता। पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? सुबह मैं उसे जीता जागता छोड़कर गई थी और अभी अभी नीचे मैंने उसकी लाश देखी। आखिर कोई पानी की टंकी में कूदकर कैसे सुसाइड कर सकता है? देखिए, वो शायद छत से कूदकर जान देना चाहती थी, पर फिर हिम्मत नहीं चली इसलिए। हाँ, उसे वर्टिगो की प्रॉब्लम थी, ऊंचाई से डर लगता था, शायद इसीलिए। हाँ, पर वैसे आपको क्या लग रहा है कि ये खुदकुशी की वजह क्या हो सकती है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो हमेशा कहती थी कि वो लोग पागल होते हैं जो खुदकुशी करते हैं, और पिछले साल जब कुनिका ने आत्महत्या की थी तो मुझे याद है उसने कहा था कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। कुनिका मेहरा, जो पिछले साल मिस वर्ल्ड बनी थी, वो ही ना? हाँ, वो हमारे ही ग्रुप की थी, और निहारिका की अच्छी फ्रेंड भी थी।
और उसने भी पिछले साल आत्महत्या कर ली। और अब निहारिका। वैसे ये गौती कौन है? गौती? यू मीन गौतम? यस, गौतम वर्मा। एक्चुअली वो शादी नहीं करना चाहता था, राइट? वेल, गौतम को लगता था कि शादी के बाद मॉडल्स का करियर खत्म हो जाता है, इसके लिए वो नहीं चाहता था कि निहारिका शादी करे। इस बात पर उन दोनों में कभी झगड़ा होता था? हो सकता है कि झगड़ा इस कदर बढ़ गया हो कि खुदकुशी की नौबत आ गई हो। I don't know. आपकी वो सहेली जिसने एक साल पहले सुसाइड किया था, वो कुनिका मेहरा? हाँ भाई, मुझे याद आ रहा है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड था। क्या नाम उसका? हाँ, गौतम नाम था उसका। हाँ, वो गौतम वर्मा ही था। कुनिका ही उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी। और कुनिका की मौत के बाद ही निक्की और गौतम एक दूसरे के करीब आ गए थे। हाँ, तो कैसे है ये मिस्टर गौतम और कहाँ मिलेंगे फिलहाल? Wow. One more. You look gorgeous, baby. Really? I swear. दिल तो चाहता है कि तुम पर आशिक हो जाऊं। तो निहारिका का क्या होगा? क्या होगा? वो भी सुसाइड कर लेगी? Hey, मिस्टर, कौन है आप लोग? वो यहाँ कैसे आ गई? आपको दिख नहीं रहा क्या? यहाँ शूट चल रहा है। अरे, किसके यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। रिलैक्स मिस्टर गौतम वर्मा, रिलैक्स। अगर हमारे अभिनव साहब का दिमाग घूम गया ना, तो उनकी शूटिंग देखते रह जाओगे। चलो बैठो। आप हैं कौन? कमांड फोर्स। आप लोग बताएंगे आप चाहते क्या हैं? आप लोगों से निहारिका के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। तो जाइए और उससे पूछताछ कीजिए। आप हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्योंकि अब वो हमें कुछ नहीं बता सकती। उसने आत्महत्या कर ली। What? जी हाँ, उसने आत्महत्या कर ली, उसी तरह जैसे आपकी पहली गर्लफ्रेंड कुनिका ने की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपने हाथ की नसें काटी थी और इसने टंकी में कूद कर अपनी जान दे दी। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों करेगी? उसे ऐसा करने के लिए सिर्फ तुमने मजबूर किया होगा, गौतम वर्मा। मैंने? मिस्टर गौतम वर्मा, मेरे पास इस बात का सबूत है। तुम्हारे सारे मैसेजेस जो तुमने उस लड़की को भेजे थे, उस लड़की ने तुमको। कहो तो पढ़ के सुनाऊं? कल शाम 8:10 तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगे, ये बात मैं जानती हूं, और इसीलिए कुनिका ने आत्महत्या की है। और आपने उसका रिप्लाई भेजा है, जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो लोग हौसला रखते हैं वो करके दिखाते हैं। और उसने अपनी जान देकर दिखा दिया। देखिए, मैंने उसे मैसेज किए जरूर थे, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। जब वो रात को मेरे से मिलने आई तो हमारे बीच में सारे इश्क खत्म हो गए। रात में? यानी कल रात को वो तुमसे मिलने आई थी? जी हाँ।
आप चाहें तो रोहित से पूछ सकते हैं। जी सर, निकी मैडम आई तो थी। जी देखिए, उसने मुझे कहा भी था कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो वो शहर छोड़कर चली जाएगी। मैंने उससे वादा किया कि हम लोग शादी कर लेंगे, वो भी अगले ही महीने। उसके बाद जो हमने प्यार भरे मैसेज किए कि आप लोगों ने नहीं पढ़े। मिस्टर वर्मा, इसमें ऐसा कोई मैसेज नहीं है। जी देखिए, मेरे सेल में तो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी बात सच है कि तुम लोगों में कोई झगड़ा नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या क्यों की? जी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सच कह रहा है? यस चीफ, मैंने उसका मोबाइल चेक किया था और उसमें निहारिका के जो मैसेज थे उससे तो यही लगता था कि उन दोनों का झगड़ा बिल्कुल खत्म हो चुका था और वो उससे शादी करने के लिए भी बिल्कुल तैयार था। लेकिन सवाल ये है कि वो मैसेज निहारिका के मोबाइल में मौजूद क्यों नहीं है? ये भी तो हो सकता है कि उसने मैसेज डिलीट कर दिया हो। पर ऐसा क्यों? अगर उसे मैसेज डिलीट ही करने थे तो वो सारे मैसेज डिलीट करता, सिर्फ वही मैसेज क्यों? और हाँ, हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली है। पिछले साल 4 फैशन मॉडल्स ने आत्महत्या की और उसमें से 3 गौतम वर्मा की गर्लफ्रेंड थी। 3? लेकिन हम तो सिर्फ 2 के बारे में जानते हैं। हाँ, पर ये इंफॉर्मेशन मुझे नेट से मिली है। वो लड़की दिल्ली में रहती थी और यहां आने से पहले गौतम वर्मा उसके साथ ही रहता था। लेकिन चीफ, हम इस गौतम वर्मा के खिलाफ कोई केस नहीं बना सकते क्योंकि अल्टीमेटली ये केस आत्महत्या का जो है। नहीं, आत्महत्या नहीं, इट्स अ क्लियर मर्डर केस। निहारिका जोशी का कत्ल हुआ है। कत्ल? यस चीफ, कत्ल। क्योंकि निहारिका की प्राइमरी ऑटोप्सी के हिसाब से उसकी मौत पानी में डूबने से तो हुई है, लेकिन उसके पेट और फेफड़ों में जो पानी मिला है उसमें लिक्विड सोप है। लिक्विड सोप? यू मीन जो साबुन हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? एग्जैक्टली। उसे इसी टब में डुबाकर मारा गया है। चीफ, मुझे लगता है कत्ल गौतम वर्मा ने किया है। पहले भी 3 मॉडल्स ने खुदकुशी की थी, हो सकता है उनका कत्ल हुआ हो। मुझे लगता है कि निहारिका को यहीं मारा गया। लेकिन उस रात वो लड़की कौन थी जो छत पे से कूदने की कोशिश कर रही थी? और वॉचमैन का कहना है कि उसके बाल भी निहारिका की तरह ही गोल्डन ब्राउन थे। इसका मतलब छत पर कोई और लड़की भी थी, यानी इस काम में कोई और लड़की भी शामिल है। नहीं, लेकिन जब हम छत पर गए थे तो वहां कोई लड़की नहीं थी और वहां छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। ये देखिए चीफ, ये नाखून, ये नाखून किसी लड़की का है और इस पर नेल पेंट भी लगा हुआ है। पर ये निहारिका का नाखून तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके नाखून पर पिंक कलर की नेल पेंट लगी हुई थी और उसके नाखून इतने लंबे भी नहीं थे। गुड मेमोरी। वो क्या है, मेमोरी तो मेरी भी बहुत अच्छी है लड़कियों को, आई मीन मरी हुई लड़कियों को वैसा तो गौर से नहीं देखता। ये नाखून उसी लड़की का होगा जो छत पर मौजूद थी।
हाथापाई में उसका ये नाखून टूट गया होगा। इसका मतलब ये कि ये कत्ल गौतम वर्मा ने नहीं किया, किसी लड़की ने किया है। हाँ, और ये भी हो सकता है कि वो लड़की गौतम वर्मा के साथ हो। शैना, गोल्डन ब्राउन बाल, अगर ये बाल निहारिका के नहीं है तो फिर किसके हैं? ये तो तुम्हें बता सकती हो शैना, लेकिन अगर ये बाल निहारिका का नहीं है तो हमें उस लड़की के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। यस चीफ। हाय जान, व्हाट्स अप? निहारिका के बारे में कुछ पता चला? हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो कुनिका की तरह पागल निकलेगी। अरे क्या जरूरत थी खुदकुशी करने की? मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है और इस वक्त तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है, इसलिए मैं चली आई। ओह थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू। मैं जानती हूँ कि ये सही वक्त नहीं है, पर मैं हमेशा से तुम्हें कुछ बताना चाहती थी पर कभी बता नहीं पाई। यू नो गौतम, मैं रुकूं या जाओ? मैं भी आया। जानवी, कुछ ना लग सकता है, मुझे फोटोग्राफ लेनी है, मैं तुम्हें कल मिलूं। रोहित, जान आई है, जान की कॉफी मंगाओ। मैं भी आया। आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? अभी निहारिका को मरे एक दिन भी नहीं हुआ है और अब रचना। ये चक्कर काफी पुराना है, शायद इसी वजह से निकी मैम और गौतम साहब का काफी झगड़ा होता था। उन्हें लगता था कि इसी वजह से गौतम साहब कभी शादी नहीं कर सकते। ये रचना, ये है ऐसी लड़की, बस हमेशा दूसरे के बॉयफ्रेंड पे नजर डालती रहती है। बेचारी निकी मैम खुद मर गई और इनका रास्ता साफ कर गई। उस टूटे हुए नाखून से दो बातें साफ होती हैं। पहली ये कि कातिल एक लड़की है और दूसरी ये कि निहारिका की अपने कातिल के साथ में हाथापाई हुई थी, तभी वो नाखून टूटा। इसका मतलब कातिल वही लड़की है जिसके बालों का रंग गोल्डन ब्राउन है और जिसे लंबे नाखून करने का शौक है। हाँ जाहिर, लेकिन इस शहर में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनके गोल्डन ब्राउन बाल भी हैं और उन्हें लंबे नाखून रखने का शौक भी। अगर हमें डीएनए सैंपल्स मिल भी जाएं तो हम कहां मैच करते फिरेंगे? जिस लड़की ने भी निहारिका का कत्ल किया है वो या तो उसकी दोस्त है या फिर दुश्मन। कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है निहारिका के साथ। हो सकता है कि उसका गौतम वर्मा के साथ कोई रिश्ता हो और गौतम के कहने पर उसने निहारिका का कत्ल किया हो। इसका मतलब ये है कि हमें गौतम वर्मा की जितनी भी करीबी दोस्त है उनमें से जिनके गोल्डन ब्राउन बाल हैं और लंबे नाखून हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए। कातिल उनमें से ही कोई एक है। नहीं अभिनव, मुझे लगता है कि अगर हम निहारिका के किसी ऐसे दोस्त को ढूंढे तो हम कातिल तक पहुंच पाएंगे। गुड आइडिया। निहारिका की फ्रेंड है ना वो, क्या नाम उसका, जानवी। जानवी निहारिका की सारी फ्रेंड्स को जानती है। वो आशा है।
ऐसी बातों में तुम्हारा दिमाग काफी चलता है। कम ऑन चाइना, यहां मैं काम की बात कर रहा हूं, तुम लोगों की बात को कहां से कहां लेके जा रहे हो। वेल दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। जानवी गौतम को भी जानती है और निहारिका को भी, तो हमें जानवी को कांटेक्ट करना चाहिए। राइट, कॉल हर। हाँ लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैं डायरेक्टरी से लेकर आता हूँ। एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास उसका नंबर है। तुम्हारे पास उसका नंबर कहाँ से आया? कम ऑन यार, केस से जितने भी लोग ताल्लुकात रखते हैं उन सभी का नंबर मैं अपने पास रखता हूँ। इवन वॉचमैन का भी नंबर है मेरे पास। हाँ तुम वॉचमैन का नंबर छोड़ो, सिर्फ मुझे जानवी का नंबर दे तो। लाओ। वो जानवी ने मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया तो मुझे लगता है कि मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। ओके कॉल कर। हेलो। हेलो या साहिल खान, कमांड फोर्स, यू रिमेंबर मी? यस ऑफ कोर्स। जानवी जी कहाँ गुम हो गई हो आप? हम तो आपके दीदार के लिए तरस गए हैं। What? I mean, मैं सुबह से आपका नंबर लगा रहा था, आपका नंबर लग नहीं रहा था। आप थोड़ा बताएंगे अभी कहाँ पर हैं आप? घर तो सील कर दिया गया है, इसलिए क्या करूँ, अपनी फ्रेंड के साथ रह रही हूँ। अच्छा एक्चुअली मैं गौतम वर्मा के बारे में आपसे थोड़ी पूछताछ करनी थी, तो क्या आप अभी ऑफिस आ सकती है? श्योर। ऑलराइट थैंक यू। आ रही हूँ। चाहते हैं आप गौतम वर्मा के बारे में? दरअसल हम उसके बारे में नहीं, उसके दोस्तों के बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें ये बताएं कि गौतम वर्मा की फ्रेंड्स में कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल सुनहरे हों? निहारिका ही थी। निहारिका के अलावा कोई और? कोई ऐसी खास फ्रेंड जिसे लंबे लंबे नाखून रखने का शौक हो? लंबे नाखून? वैसे आपके नाखून काफी छोटे हैं। आई मीन बड़े नाखून रखना आपको अच्छा नहीं लगता? वेल मार्केट में आजकल इतने खूबसूरत नेल्स आ गए हैं, तो हम मॉडल्स को लंबे नेल्स रखने का क्या मतलब है? लेकिन फिर भी गौतम वर्मा की फ्रेंड्स में कोई ना कोई ऐसी मॉडल तो होगी जिसके बाल सुनहरे होंगे और नाखून लंबे होंगे। आई थिंक रचना, उसके बाल कुछ इसी रंग के थे और उसके नेल्स भी बड़े हैं, पर आजकल कटवा लिए हो तो क्या पता। रचना? हाँ रचना भिमानी। क्या वो काफी क्लोज थी गौतम के? आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा। मुझे कल ही पता लगा है कि रचना ही वो लड़की है जिसकी वजह से निहारिका गौतम को लगातार शादी के लिए फोर्स कर रही थी। लेकिन गौतम तो कहता है कि वो शादी के लिए तैयार था। ओह रियली? फिर तो जरूर उसने उसे कोर्ट ले जाने की धमकी दी होगी। पर ना गौतम और शादी के लिए हाँ बोल दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कोर्ट तक ले जाने की धमकी,
यू मीन एक्सप्लॉयटेशन या फिर रेप केस में? बिल्कुल सही, लेकिन आप सब लोग इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? और इन सब का निहारिका की आत्महत्या से क्या लेना देना है? यही तो हम जानना चाहते हैं। साहिल, रचना भीमानी। Got it, चीफ। दरवाजा तो खुला हुआ है, अंदर चल के देखते हैं। एक और खुदकुशी। नहीं, ये खुदकुशी नहीं है, ये मर्डर है जिसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है। वैसे तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर ये अपना हाथ चाकू से खुद काटती तो चाकू के हैंडल पर खून जरूर लगा होता। खून गौतम वर्मा ने ही किया है चीफ। पहले उसने निहारिका का कत्ल करने के लिए रचना की हेल्प ली और फिर रचना का मुंह बंद करने के लिए उसे भी उसी तरह से मार दिया जैसे उसने दूसरी लड़कियों को मारा है। यह तो मैं नहीं जानता कि कातिल कौन है, पर एक बात तो तय है, वॉचमैन ने जिस लड़की को देखा था ये वो नहीं है। लेकिन उसके बाल भी तो रचना के जैसे है और उसके नाखून भी लंबे है जिन पर लाल नेल पेंट लगा है। अब साहिल, उसकी 10 उंगलियों में नाखून मौजूद है और अगर वो नाखून रचना का होता तो इतनी जल्दी नया कैसे आ सकता है? समझे। बाय द वे चीफ, मैंने पिछले 5 सालों में गौतम वर्मा के लिए काम करने वाली लड़कियों का डेटा इकट्ठा किया है, ये उन सबकी तस्वीरें। चीफ, वो जो सुनहरा बाल और टूटा हुआ नाखून मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। एनीथिंग इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। गुड जॉब डन शायना। थैंक यू। कम ऑन गाइस, कातिल हमें मिल चुका है। लगता है शूट कैंसिल करना पड़ेगा। वेट वेट, समझ में नहीं आ रहा फोन क्यों नहीं उठा रही वो। किसी को फोन कर रहे हो गौती? रचना को? हाँ, शूट है उसका, 1 घंटा हो गया कोई अता पता नहीं, फोन तक पिकअप नहीं करी वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड ने भी खुदकुशी कर ली? What? I'm just joking. जानवी, मुझे मजाक पसंद नहीं। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें किस टाइप की मजाक पसंद है और किस टाइप की लड़कियां। शायद तुम्हें वो लड़कियां नहीं पसंद जो तुमसे प्यार करती हैं, बल्कि तुम्हें वो लड़कियां पसंद हैं जो तुम्हारे स्टेटस से प्यार करती हैं और तुम्हें सीढ़ी बनाती हैं अपनी कामयाबी तक पहुंचने की। जानवी, आर यू ओके? नो, आई एम नॉट। गौतम, क्या तुम्हें कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करती आई हूँ? जानवी, इन बातों का कोई फायदा नहीं। तुम जानती हो कि मैं रचना को पसंद करता हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। रचना मर चुकी है। What? हाँ,
रचना मर चुकी है। ये कैसे हो सकता है? रचना कैसे मर सकती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड मरी थी, हाथ की नस काटने से। ओह नो। फर्क सिर्फ इतना है कि रचना ने आत्महत्या नहीं की बल्कि इसका खून किया गया है। खून हुआ? रचना का खून? और सिर्फ रचना का ही नहीं, निहारिका जोशी और कुनिका का भी। इनमें से किसी ने भी आत्महत्या नहीं की थी। इन सबका कत्ल हुआ है। लेकिन खून किया किसने और क्यों? आखिर निहारिका अपनी जान कैसे दे सकती है? वॉचमैन ने खुद देखा था कि वो छत से कूदकर अपनी जान दे रही थी। वॉचमैन ने गोल्डन ब्राउन बालों वाली लड़की को छत से सिर्फ झांकते हुए देखा था। जो निहारिका जोशी की लाश को ऊपर से फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंड मोमेंट पे उसे अपना प्लान बदलना पड़ा। तो कौन है खूनी और क्यों किया उसने इन सबका खून? तुम्हारी वजह से गौतम वर्मा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं? लेकिन मैं कैसे सर? लेकिन अभी अभी आपने कहा था कि खून करने वाली के बाल गोल्डन और ब्राउन कलर के थे। अगर आप जानवी मैम के बाल को गौर से देखेंगे तो उनके भी वही कलर के बाल हैं। हमें निहारिका के घर से एक टूटा हुआ नाखून मिला था जिस पर डार्क रेड कलर का नेल पेंट था। वो नेल पेंट तुम्हारे फेवरेट है। ओ, तुमने कुछ दिन पहले नेल कटवाए भी हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या रचना और निहारिका का खून मैंने किया है? वेल वेल मिस जानवी, सुबह से मैं जिस खूनी की तलाश थी उसके हिसाब से आप परफेक्ट कैंडिडेट हो। लेकिन हमारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने हमें हिला दिया क्योंकि वो बाल उस लड़की के नहीं थे, सिंथेटिक थे, यानी कि विग। और डीएनए सैंपल्स के हिसाब से वो नाखून किसी लड़की का नहीं बल्कि लड़के का था। मिस जानवी, आप किसी ऐसे लड़के को तो जानती होंगी जिसे नाखून बढ़ाने का शौक है। इसे आप गौर से देखिए। रोहित, तुम रोहित, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे डीएनए सैंपल से यह तो साबित हो ही जाएगा कि यह नाखून तुम्हारा है। हाँ हाँ, मैंने मारा उन सब लड़कियों को। मैं अपनी नताशा का पता लेना चाहता था जो इससे प्यार करती थी, जिसने इसके लिए अपनी जान दे दी। नताशा से बहुत प्यार करता था सर, वो इसकी दीवानी थी सर। उस रात जब मुझे पता चला इसने शादी के लिए मना कर दिया, उसी रात को मैं इसे मार देना चाहता था। लेकिन नताशा ने मुझे कसम दे दी और मैं इसे नहीं मार पाया।
लेकिन अगले दिन जब मुझे नताशा की आत्महत्या की खबर मिली तब मैंने कसम खा ली इसकी जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं आने दूंगा, कोई भी लड़की इसके करीब नहीं आने दूंगा। जो भी लड़की इसके करीब आई मैंने उन सबको मार दिया सर। इसने मेरी नताशा का दिल दुखा, मैं इसकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आने दूंगा, छोड़ो मुझे। अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा रोहित। अगर अब तुम्हें कुछ मिलेगा तो वो मिलेगी फांसी। और हां, हो सकता है ये फांसी तुम्हें तुम्हारी नताशा से मिला दे। यू आर अंडर अरेस्ट।